वेलकम टू मंडे टॉक्स विद नरेन एंड आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट हमारे सोमेश भाई, वेलकम ऑन द मंडे टॉक्स। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। तो वैसे आज संडे है, ये मंडे को रिलीज होने वाले हैं। हाँ, ये मंडे टॉक्स हम संडे को शूट कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक पे हम बात करें कंटेंट क्रिएशन पे। हमारा जो ऑडियंस है, आप हमारे यूथ ऑडियंस है, तो हमारे साथ कंटेंट क्रिएशन के किंग नहीं है बट ऐसे बहुत अच्छे इंस्पिरेशन जो यूथ को बहुत पसंद करते हैं, एके कैमरा वाले भैया के नाम से जानते होंगे इन्हें। तो इनके साथ हम सोचे कि ये एपिसोड बनाना सबसे बेहतर होगा और हम मिले कोइंसिडेंटली दिल्ली में और हम बैठ के एपिसोड बना रहे हैं। तो आज हम जानेंगे, मेजरली तीन टॉपिक पर बात करेंगे। कॉन्टेंट क्रिएशन है क्या, आप इसमें स्टेप इन कैसे कर सकते हो, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका हर्डल कैसा है, इसका स्ट्रगल्स कैसा है। तो इन नक्शों को हम लाइट डालेंगे इस टॉक में सोमेश भाई के साथ। तो सोमेश भाई, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आपका वेलकम करते हुए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। तो बेसिकली मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था पहले, अब मैं थोड़ा सा वीडियोज़ में भी आ चुका हूँ। तो फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, अगर कैमरा वाले भैया से नाम से ही पता चल रहा है आपको कि फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत ट्रैवल भी हमने स्टार्ट किया है। तो मैं मोस्टली अभी फुल टाइम जो है यूट्यूब में ट्रैवल वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग्स, ये सब बना रहा हूँ। और मेन जो मेरा फोकस है वो अभी कंटेंट क्रिएशन पे ही है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेते हैं, मोस्टली मेरा फोकस जो है वो कंटेंट क्रिएशन। तो 5 साल हो गए ये करते हुए और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तो ऐसे ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो हम भी इनको 4 साल से फॉलो करते आ रहे हैं और फाइनली आज मिले हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मोमेंट है मेरे लिए। तो सोमेश भाई, कोई बंदा जो अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, एक एज में, ग्रोइंग एज में है, जहाँ पे लोग एक्सप्लोर फील्ड पे देख रहे हैं ये चीज़ें, तो व्हाट इज़ योर गाइडेंस टुवर्ड देम? सी, मेरा मानना ये है कि पहले आपको एक मतलब 12th या फिर ग्रेजुएशन आप कर लो, ऐसा मतलब मेरा ये मानना है। थोड़ा सा एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर कंटेंट क्रिएशन में भी आते हो तो थोड़ा सा आपको सोसाइटी का नॉलेज भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा नहीं कि आप 12th करने के बाद ही छोड़ दो सब कुछ और फिर बोलो कि नहीं मुझे फोटोग्राफी करनी है। साइड में आप ग्रेजुएशन कर लो, चाहे आप उसको मतलब वो कौन सा करते हैं जो ऑफलाइन होता है घर से करते हैं। हाँ। तो वो वाला आप कर लो चाहे, बट ग्रेजुएशन कर लो और साथ में यू कैन स्टार्ट फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग एज अ हॉबी। तो पहले एज अ हॉबी स्टार्ट करो एंड देन विद टाइम आपको ना थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को परखोगे, स्किल्स को थोड़ा डेवलप करोगे, तो आपको आइडिया होगा कि क्या आप इस चीज़ में एज अ प्रोफेशन भी कर सकते हो, यानी मतलब क्या आप इतने स्किल्ड हो चुके हो कि आप मार्केट में इसे एज ए मतलब क्या बोलते सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो विद टाइम होगा। तो आप सीधे अगर पूरा इन्वेस्टमेंट एक चीज़ पे कर दोगे तो वो आपके लिए रिस्क भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। Right. तो फर्स्ट आई विल मतलब मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी लोग ये देख रहे हैं या फिर अगर ट्राई करना चाहते हैं एज ए कॉन्टेंट क्रिएशन, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप सीधे कॉन्टेंट क्रिएशन में मत आओ, ग्रेजुएशन या फिर जैसे आप ग्रेजुएशन 3-4 साल का होता है, मैंने भी ऐसे किया, मैंने साथ में पढ़ाई करता था एंड देन यू कैन टेक आउट लाइक 2 hours, 3 hours ईच डे। तो आप एक दो घंटा आप निकालो अपना और उसमें आप अगर फोटोज़ खींचना चाहते हो, वीडियोज़ लेना चाहते हो, आप वो ट्राई करो। आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, म्यूज़िक को एक्सप्लोर करो। Right. तो आप इसे एज अ मतलब साइड हसल स्टार्ट करो और शायद ग्रेजुएशन होते होते 3rd ईयर तक आपके पास एक बहुत अच्छा आउटकम निकल के आ सकता है। जी जी, बहुत सही है। तो ये जो साइड हसल है, ये जो हमारी जर्नी होती है, इसमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा है कि अभी इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब का है, सब लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं और जैसा होता है ना डाइवर्ट हो जाते हैं कि अच्छा वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो यो आर्ट को अपने अंदर कैसे जगाए हुए रखना है इस प्रोसेस में? देखो, मेरा मानना ये है कि ट्रेंड फॉलो करना इज़ नॉट अ मतलब नेगेटिव थिंग, बट एक चीज़ होती है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो उसमें आपकी एक झलक दिखनी चाहिए, मतलब एक आपका फ्लेवर आना चाहिए। हाँ, ये इसने ट्रेंड को तो फॉलो किया बट इसने अपने स्टाइल में दिखा दिया। तो वो चीज़ ज़रूरी है। जैसे कोई नई मूवी रिलीज़ होती है या कोई भी नई चीज़ आपको नया दिखता है कि ये लोग सब कर रहे हैं, आप भी करो, बट उसमें अपना कुछ एक अपनापन डालो ताकि वो सबसे उस ट्रेंड में अलग हो। मतलब भीड़ में जाओ बट भीड़ में भी अलग दिखो ताकि वो भीड़ आपको देखे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में और ये इसमें मोस्टली ये क्या है कि आपको मतलब कुछ लोग गेन कर रहे हैं, ऑडियंस गेन करनी है, तभी आपको उसका पे आउट मिलेगा। मतलब ब्रांड्स क्या करती हैं, ब्रांड्स तो आपको ऑडियंस के लिए ही पे करेंगी। कंटेंट क्रिएशन में और कोई तरीका तो नहीं है पैसे कमाने का, मोस्टली यही है कि ब्रांड कैंपेन्स करोगे आप, तो आपको ऑडियंस गेन करना ही है। तो ऑडियंस गेन करना ही है तो आप ट्रेंड में क्या है कि बहुत सारी ऑडियंस ऑलरेडी वहाँ पे है, Right. आपको वहाँ जाना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, बट आप अपने स्टाइल को वहाँ पे दिखाओ कि आप किस तरीके से उस ट्रेंड को अपने तरीके से मोड़ते हो और एक शेप देते हो, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो।
तो ये बात तो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी मोटिवेटिंग भी थी। तो अब इस लाइन में आते हैं जो ऐसा फॉलो कर रहा है, चलिए डिसिप्लिन में काम कर रहा है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहा है, खुद का पहचान बना रहा है, तो अब उसको स्कोप कैसे है, ऐसे काम कैसे मिल सकते हैं, क्या मतलब करियर बना सकते हैं, क्या इसमें एक डिसेंट अर्निंग है, या कैसा स्कोप कैसा दिखता है कॉन्टेंट क्रिएशन? सी, कॉन्टेंट क्रिएशन में ये चीज़ है कि मोस्टली जो है वो आपको ब्रांड कैंपेन से ही मतलब आपको पे आउट मिल सकता है। हाँ। दूसरा जो चीज़ है दैट इज़ आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, क्योंकि आपको ऑडियंस ऑलरेडी बहुत सारी ऑडियंस ऑलरेडी मिल चुकी है। हाँ। तो उसमें से कोई अगर इंटरेस्टेड हो कि हाँ आप मेरा ये प्री वेडिंग कर दो शूट, या फिर आप मेरा फैशन पोर्टफोलियो शूट, तो आपके पास ऑडियंस है ऑलरेडी, तो आप उस ऑडियंस को एज ए कमर्शियल ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। प्लस आप अगर आपके पास ऑडियंस है तो ब्रांड आपको अप्रोच करती है कि हाँ आप हमारा ये शूट कर दीजिए, आप हमारे ब्रांड को प्रमोट कर दीजिए, इन एक्सचेंज वी कैन प्रोवाइड यू कमर्शियल मतलब जो भी आपका पे आउट है। तो इस तरीके से मोस्टली कॉन्टेंट क्रिएशन में होता है। और आप साथ में कुछ अपने साइड में मतलब हमेशा बोला जाता है कि 7 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। हाँ, हाँ आपके, तो आप वो विद टाइम ही डेवलप करते हो, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग में एक होगी, दो होगी, तो अलग 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 जितने भी फील्ड्स हैं, यानी कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप हर जगह अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर इंस्टाग्राम से कोई ब्रांड नहीं मिल रहा तो आपको यूट्यूब से मिल सकता है, यूट्यूब से नहीं मिल रहा तो इंस्टाग्राम से मिल सकता है, और प्लस आपकी ऑडियंस भी ग्रोथ होती है, क्योंकि यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे आएगी, इंस्टा की ऑडियंस यूट्यूब पे जाएगी, तो एक साइकिल बना रहता है। बहुत बहुत सही। तो ये जो कॉन्टेंट क्रिएशन का है जो मामला है, इसमें व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ क्रिएटर? मतलब मैं बहुत टाइम आपको वैसे फॉलो करता है, तो मैं नोटिस करता था कि आप सुबह सुबह पहली मेट्रो लेके इंडिया गेट पहुंच जाते थे हर दिन, ऐसे है ना, लोकल ट्रेन पे ट्रैवल करके इधर जाते। तो आई नो कि यू आर वेरी राइट पर्सन टू टेल मी अबाउट द लाइफ बिहाइंड द कैमरा। सी, हाँ मोस्टली क्या होता है, लोग अगर कोई 10 सेकंड की या 15 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो हाँ, नहीं दिख पाती है उसमें। हाँ, हाँ, तो उसके पीछे की मेहनत जो है वो ये होती है कि आपको सुबह रोज उठना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली फोटोग्राफर और फिल्म मेकर्स के लिए यही होता है कि लाइट जो है वो बेस्ट होती है सुबह के टाइम में, तो आपको सुबह उठना ज़रूरी है। प्लस मेरे पास उस टाइम अभी कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उतने पैसे नहीं होते थे, तो मैं बजट थोड़ा करता था, तो मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था। हाँ। या फिर कहीं कहीं तो मैंने 3-3 किलोमीटर चल लिए कि हाँ पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी लोकेशन पे। हाँ, जल्दी हाँ। जल्दी सुबह से निकलो, मतलब 4 बजे के आसपास आप निकल रहे हो, और देन तो 4 बजे आप सुबह निकल रहे हो, एंड देन तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत आप जब करोगे और जब वो आउटकम आएगा, जब वो फ़ोटो आप खींच के लाओगे, तो आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है उस फोटो में, तो विद टाइम वो चीज़ें होती हैं। तो वो ओके तो वो हैप्पीनेस, वो जॉय जो मिलती है लाइफ को, वो काफ़ी सुकून देते हो एकदम एकदम। तो जब आप घर पे जाते हो और अपनी फ़ोटो देखते हो कि हाँ यार सुबह 4 बजे निकल रहा था मैं, तब जाके ये लाइट मिली, अगर मैं सो जाता, अगर मैं सोचता यार क्या जाऊँगा मैं, तो फिर वो फोटो नहीं मिलती आपको, तो वो बड़ी ही वो सेटिस्फैक्शन बहुत, वो आप ही को पता है, वो उनको नहीं पता जिन 10,000 लोगों ने या 5,000 लोगों ने वो फोटो लाइक किए, उनको नहीं मालूम, सिर्फ आपको मालूम है कि वो फोटो के पीछे जो मेहनत है वो उसमें कितना मजा है। बात तो सही है। तो ये जो पूरे प्रोसेस में मेरा अगर कोई यहाँ तक भी फॉलो करे, तो उसका बैकलॉग होता है फैमिली, हाउ टू कन्विंस फैमिली, हाउ दे शुड बी अराउंड, तो आपका क्या कहना है? मेरे को ये बहुत लोग पूछते हैं कि यार मैं ना अभी क्लास 12th में हूँ, और मुझे सोच रहा हूँ मैं आपकी तरह एक फोटोग्राफर बन जाऊँ, तो क्या मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँ, या फिर क्या करूँ मैं, क्या ग्रेजुएशन के पैसों से कैमरा ले लूँ और फिर मैं ट्रैवल करना शुरू करूँ? मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो ग्रेजुएशन करो साथ में, साथ में फोटोग्राफी, मतलब आप एक डिग्री तो ले लो, और प्लस डिग्री की बात नहीं होती, आप जब ग्रेजुएशन करते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप एक एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, आप एक एक्सपीरियंस गेन करते हो, जो कि बहुत काम आता है आपके बाद वाले लाइफ में, यानी कि आप जब कोई भी मतलब जॉब करोगे, या फिर अगर आप इस कॉन्टेंट क्रिएशन में भी आओगे, देन यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात करना सीखोगे कॉलेज में, क्योंकि स्कूल में आपका वो नहीं हो पाता, आप स्कूल में जाते हो सिर्फ पढ़ाई करते हो घर वापस आ जाते हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, कॉलेज में फेस्ट होते हैं, तो आप लोगों से घुलते हो, मिलते हो, और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो अदर देन स्टडीज़। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज जाओ,
साथ में जस्ट स्टार्ट इट एज अ हॉबी फर्स्ट. आप उस चीज़ को पहले एक्सप्लोर करो. जो चीज़ें बाहर से अच्छी दिखती हैं कि हाँ ये बहुत मज़ा आता होगा, ये होता होगा, वो चीज़ पहले जानो कि अंदर जाके वो कैसी हैं, क्या आप उस चीज़ के लायक हो, या आप वो चीज़ क्या कर सकते हो, क्या वो प्रेशर आप अपने अंदर ले सकते हो. क्योंकि हम सोचते हैं कि यार क्या मस्त लाइफ है, घूमता रहता है, मस्त फोटो खींचता है, बट उसको नहीं पता ना कि वो एक बैटरी 8,000 रुपये की आती है. आपको रेंट भी देना है, आपको अपनी एक बैटरी भी एक्स्ट्रा खरीदनी है, एक SD कार्ड भी लेना है. क्योंकि ये जो हॉबी है कंटेंट क्रिएशन का, ये थोड़ा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है हॉबी. आप ट्रैवल भी कर रहे हो खुद के पैसे से. कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया, मतलब मेरे फैमिली वाले, मतलब घर वाले नहीं, थोड़े दूर के फैमिली वाले, कि यार ये तू ट्रैवल भी करता है, खुद के पैसे से लगा के ट्रैवल कर रहा है, तू ये भी चीज़ खरीद रहा है, पैसे आ कहाँ से रहे, मतलब खर्चा कहाँ से. मैं बोल, तू जो आ रहे हैं वो तो खर्चा कर दे रहा है, फिर तो जीरो इनकम है तेरी. मैं बोलता हूँ यार ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. आप जब कोई बिजनेस खड़ा करते हो, आप पूरा दुकान बनाते हो, आप चीज़ें रखते हो, तो पहले तो कोई आके खरीदेगा नहीं. पहले लोग आएंगे, एक दो लोग आएंगे, जब मार्केट को पता चलेगा कि हाँ अच्छी दुकान है, अच्छे लोग हैं, तो खरीदेंगे. तो धीरे धीरे आपको अपना मार्केट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना ज़रूरी है. तो जो पैसा आता है मैं उसको लगा देता हूँ मोस्टली. बहुत तो इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज़ द मोटिवेशन दैट कीप्स यू गोइंग? मोटिवेशन यही है कि एक तो पैशन है इस चीज़ को लेके. मतलब मैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि आप ये देखते हो कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है, चलो कर लेते हैं. आपको उसका पैशन नहीं है. आप देखते हो कि यार म्यूज़िक, वो लड़का गिटार बजाता है तो लोग उसको देखते रहते हैं, मस्त वो पॉपुलर भी है. तो कोई व्लॉगिंग करता है तो यार वो बड़ा पॉपुलर है इसलिए मैं भी व्लॉगिंग कर लेता हूँ, मैं भी पॉपुलर. ऐसे नहीं कर रहा है. अगर आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट है, अगर आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आता है ना, तभी करो. ऐसा नहीं कि यार उससे पॉपुलरिटी मिल जाएगी तो कर लेते, नहीं. तब फिर आप कुछ टाइम तक कर पाओगे, फिर उसके बाद आपको प्रेशर लगने लगे, आपको वो फिर 9 to 5 जॉब लगने लगेगा. तो मैं भी वही सजेस्ट करूँगा कि अगर, इसलिए मैंने यही कहा कि आप पहले उसे हॉबी स्टार्ट करो, आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करो, एंड देन थिंक कि हाँ आप इसको एज ए कॉन्टेंट क्रिएशन को एज ए फुल टाइम करना चाहोगे या नहीं. काफ़ी हाँ, मोटिवेशन की बात से मैं भूल गया कि मोटिवेशन जो है वो यही है कि मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट ऑलरेडी था, तभी मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, मतलब मैं जब कोई एक वीडियो लेता हूँ उसमें ये अच्छी लाइट होती है तो अच्छी चीज़ें होती है तो मुझे लगता है यार मज़ा आ गया. तो वो मज़ा जो है वो इसलिए आता है क्योंकि पैशन है ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर. तो चलिए, ये काफ़ी सही बात बोला उन्होंने. दिल से जो होता है वो नेचुरल होता है, वो फोर्सफुल नहीं लगता है. 9 to 5 का 24/7 काम करना भी दिल से अच्छा लगता है, वो करते भी हैं हम, ऐसा ही चलता लाइफ. तो एक ऐसा फाइनल सा क्वेश्चन है कि आप एज ए कंटेंट क्रिएटर खुद को कहाँ देखते हो आगे, क्या करना चाहते हो? तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं वो चीज़ें बनाना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक सोची है. मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोची है कि जैसे मैं ये एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ या फिर ऐसी कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ. और अब धीरे धीरे जैसे मैं ऑडियंस गेन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगर कुछ बनाऊँगा तो लोग देखने वाले भी हैं. हाँ. तो आपको और अच्छा लगता है. तो एक तरीके से ये जो आपने मोटिवेशन वाली बात कही थी, तो धीरे धीरे वैसे उसी से मोटिवेशन आता है. जो लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया ये आपने बहुत अच्छा बनाया है, और अलग अलग जगह से, मतलब त्रिपुरा से, सिलीगुड़ी से, मतलब आप अपने दिल्ली में बैठ के बना रहे हो या फिर मुंबई में बैठ के बना रहे हो, और लोग कहाँ कहाँ से आपको कमेंट कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लाइक कर रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है. तो मैं आगे वही है कि और अच्छी वीडियोस बनाना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मैंने सुबह उठ के मैं गया कहीं शूट किया, मैंने उसके शूट को देख के, उस वीडियो को देख के, क्या पता किसी के अंदर एक स्माइल आ जाए और उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़. तो मेरा मेन मोटिव तो यही है. ये काफ़ी प्यारा बात बोला यार, काफ़ी तो सही यार. और हम सब लोग, आप भी और हम भी सब दुआ करते हैं कि आपकी जो विशेष है वो पूरी हो, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के. तो यार आपके कुछ और सवाल हो तो, मेरे सवाल तो खत्म हो गए हैं. आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले किसी टॉक पे, अगले किसी बातचीत पे, कहीं पे हम आपको जवाब जरूर देंगे. थैंक्स लॉट सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके, काफ़ी अच्छा लगा. और आप लोग भी इनके चैनल को जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. और जो हमने बताया कि हमारा मोटिवेशन आपका लाइक कमेंट भी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वो भी कर लीजिएगा. और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में. कैमरा मैन को उठ के बंद कर, उठ के बंद कर.